हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के अंदर पीडीएफ फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं और एमएस एक्सेल में पहले देख लेते हैं कि कैसे पीडीएफ अटैच करना है। तो आपको एमएस एक्सेल में जाने के बाद में इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे सबसे राइट साइड में आपको ऑब्जेक्ट वाला एक आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है एडोब एक्रोबेट डॉक्यूमेंट, उसके में सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका डिस्प्ले एज ए पीडीएफ वहाँ पे शो करेगा एक्सेल के अंदर। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये लोकेशन पूछेगा कौन से लोकेशन पे आपकी पीडीएफ फाइल सेव है, और जो भी आपको अटैच करनी है वो पीडीएफ फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी पीडीएफ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके और उस पर ओपन पे क्लिक कर देना है, और जो यहाँ पे ओपन हो जाएगी वो उसको आप उसको क्लोज कर देना है। ये देखिए, उसके बाद में एक्सेल में आपको जहाँ पे भी इसको अटैच करना है वहाँ पे इसको आप कैसे भी करके एज ए इमेज हो गया है ये अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप कहीं पे भी अब इसके आगे आपको जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, किस टाइप की पीडीएफ है, क्या है डॉक्यूमेंट, और इसको सेव एज करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। एक्सेल के फॉर्मेट में ही ये मेल होगा, और जब भी किसी को ओपन करना है तो वो जस्ट इस पर क्लिक करेगा और ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही सेम वर्ड के लिए है। वर्ड में भी हम एक बार देख लेते हैं। वर्ड में आपको जाना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, और इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट का आइकन दिखाई देगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपके जैसे ही वही फाइल आती है तो आपकी जो भी पीडीएफ आपको सेलेक्ट करनी है वैसे वापस सेलेक्ट कर लेना, जैसा एक्सेल में था वही प्रोसेस है। और देखिए ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम ये ओपन होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके सेलेक्ट हो गई है। अभी आपको जो भी यहाँ पे टाइप करना है आप टाइप कर दीजिए, आपकी यहाँ पे फाइल आ गई है। अभी जब भी इस किसी को ओपन करना है, इसको आप किसी को भी सेंड कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए ये यहाँ पे नीचे में ओपन हो गई है वापस से। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, कितनी भी पीडीएफ आप अटैच कर सकते हैं एक साथ। तो आपको कोई भी रिपोर्ट अगर भेजनी हो तो आपको अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीडीएफ, आप एक ही साथ अगर एक्सेल के अंदर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर साथ में भी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये टिप्स? अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।